हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी पे। मैं हूं वका। आज की लेकर क्या है जॉब अपडेट, इसमें बात करेंगे कि इस जॉब के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो स्टूडेंट भी रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए सुनौरा ऑफर है, उनको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो आइए उस जॉब के बारे में बात करते हैं। ये जॉब CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ CDRI में आया है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc to PhD तक है, अलग अलग डिफरेंट पोजीशन के लिए। तो आइए एक एक करके सारे पोजीशन के बारे में बात करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके लास्ट डेट 29th December है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो पहले ही फॉर्म फिल कर ले, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू आपका होगा। तो आइए पोजिशन कोड वन, जो फर्स्ट पोजीशन कोड है उसके लिए जो पोजीशन का नाम है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट है। दो पोस्ट इसके लिए आई है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट से। कोई भी बच्चा जो MSc है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसकी जो स्टाइपेंड रखी गई है, अगर आप नेट और नेट आपके पास है तो आप 31,000 प्लस HRA आपको मिलेगा। अगर आप नेट नहीं भी हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, बट आपका फेलोशिप अमाउंट घट जाएगा जो कि 25,000 प्लस HRA होगा। जो पोजीशन कोड टू है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट है, इसके लिए भी MSc लाइफ साइंस है, लेकिन इसके साथ साथ आपको 4 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए और एटलीस्ट 2 peer-reviewed पेपर होना चाहिए। इसके लिए जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो 42,000 प्लस HRA है। जो पोजीशन कोड 3 है उसके लिए उस पोजीशन का नाम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 है और इसके एलिजिबल स्टूडेंट जो PhD हैं, जो PhD कर चुके हैं वो स्टूडेंट है, लाइफ साइंस से PhD होने चाहिए। और या अगर आप MTech हैं तो आपको MTech के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। और इसका जो स्टाइपेंड अमाउंट रखा गया है वो 67,000 प्लस HRA। जो पोजीशन कोड 4 है वो उस पोजीशन का नाम है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, इसके लिए एक पोस्ट आई है। इसके लिए एलिजिबल BSc और BCA के स्टूडेंट हैं और इसकी जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो 20,000 प्लस HRA है। जो पोजीशन कोड 5 है, पोजीशन कोड 5 जो पोजीशन नेम है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट चाहिए जो MSc इन केमिस्ट्री हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या M Pharma हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। दोनों तरह के स्टूडेंट इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है और इसमें भी आपको एटलीस्ट एक पेपर होना चाहिए। और जो इसका स्टाइपेंड अमाउंट रखा गया है वो 35,000 प्लस HRA रखा गया है। अब आइए पोजीशन कोड 6 की बात करें तो ये सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट है, एक पोस्ट है और इसमें एलिजिबल MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर MSc जो नॉर्मल केमिस्ट्री से भी हो, लेकिन इनका जो मेन पेपर हो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होना चाहिए और 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसका जो फेलोशिप सेकेंड अमाउंट रखा गया है वो 42,000 प्लस HRA। जो पोजीशन कोड 7th है वो रिसर्च एसोसिएट 1 का पोस्ट है, एक पोस्ट है जो कि PhD इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले एलिजिबल है और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और इसका जो स्टाइपेंड अमाउंट रखा गया वो 47,000 प्लस HRA। तो ये पूरा डिटेल था जो CDRI में प्रोजेक्ट निकला है उसका डिटेल है और मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इसको फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन फिल करने के बाद CDRI शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को और वो पर्सनली मेल करेंगे कि वो किस थ्रू से ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लेंगे और वो लिंक साथ में ही शेयर कर देंगे, टाइम टेबल भी आपको शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक किसी टाइम टेबल का कुछ नहीं बताया गया है, बस आपको फॉर्म आ गया है, फॉर्म का लास्ट डेट 29th December है, उससे पहले आप एलिजिबल हैं तो जरूर ट्राई करें। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इसे ट्राई करें और आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है जो भी एलिजिबल है। तो ये ना सोचे कि मेरा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का, 1 of the top रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI है, तो ऐसे मौके को हाथ से ना जाने दें। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कर, अगर किसी तरह का कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं या मेरा जीमेल पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल ये मेरा नया चैनल है इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।